गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज की वीडियो में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ये बताने वाला हूं। दोस्तों, किसी भी बॉडी, जैसे कि एक बॉडी है चेयर जिस पर आप जो है बैठते हैं, आपकी जो लोड है, जो आप लोड देते हैं चेयर के ऊपर, वो मान के चलिए आपकी लोड 100 केजी एक क्विंटल है, और जो कुर्सी का लोड सहने की जो क्षमता है वो 200 केजी है। 200 केजी पर तक का लोड वो जो है सहन कर सकती है। तो यहां पर जो कुर्सी की फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी वो लोड सहन करने की क्षमता बटे में लोड जो अप्लाई कर रहे हैं, लोड जो डाले हुए हैं उसको से डिवाइड करते हैं, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी कि 200 केजी लोड सहन करने की क्षमता है बटे में 100 केजी हम लोग लोड दे रहे हैं बैठ करके, उससे डिवाइड करेंगे तो उस तरह से उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि लोड सहन करने की क्षमता बटे लोड अप्लाई करने की, लोड डालने की जो कैपेसिटी है उसको जो है उनके रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। दोस्तों, यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं फॉर्मूले के रूप में लिखा हूं। किस केस में, हम लोग जो सपोर्ट डिजाइन करते हैं अंडरग्राउंड माइन में, जो सपोर्ट डिजाइन करते हैं वहां पर सपोर्ट डिजाइन करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है। उसी तरह से जो भी इंस्ट्रूमेंट मशीन तैयार की जाती है तो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, किस ताकत पर वो टूटेगी और कितना लोड हम लोग उसको पर मैक्सिमम देते हैं, उन दोनों के रेशियो निकाल करके हम लोग जानते हैं कि उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, या हम लोग प्रीवियस में ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल करके उसकी ऊपर मैक्सिमम लोड कितना दे सकते हैं ये हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि केज में भी हम लोग मैक्सिमम लोड कितना दे सकते हैं, कितना आदमी नंबर ऑफ पर्सन उसमें चढ़ता है, तो इस तरह से रोप पर ऊपर लोड इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बहुत ज्यादा हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपने को काम में आती है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं लिखा हूं दोस्तों, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वन बोल्ट, यानी वन बोल्ट कितना लोड सहन करता है। तो जनरली डीजीएमएस की जो सर्कुलर है उसके अनुसार 8 टन लोड सहन करता है, और रूफ रॉक लोड वो अभी इस समय कितना टन बियर कर रहा है। मैं यहाँ जो रूफ रॉक लोड टेकन बाय वन बोल्ट जो लिखा हूं, ये रूफ रॉक है जो 1.2 मीटर लंबा है, 1.2 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर का ऊंचाई का है, और ये बीच में आपको रूफ बोल्ट रॉड दिख रही है जो रूफ रॉक को इतना टांग के रखी हुई है, इतना वॉल्यूम वाला रॉक को टांग के रखी हुई है। तो इस वॉल्यूम वाला रॉक का जो लोड सहन कर रही है वो कितना होगी, उसकी लोड जो हम लोग रूफ रॉक लोड जो सहन कर रही है एक बोल्ट वो कितना होगी, इसकी वॉल्यूम और उसकी जो रॉक की डेंसिटी है उससे गुना कर देंगे तो वो टन में जो है निकल जाएगा। तो यहां पर इसकी वॉल्यूम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दिए, साथ में जो डेंसिटी घनत्व है उससे हम लोग रूफ रॉक का डेंसिटी 2.5 के लगभग रहती है, 2.25 से गुना कर दिए तो ये टन में निकल आई, ये लोड इतना बियर करती है, जिसको कैलकुलेट करके मैं 4.86 लिखा हूं। दोस्तों, ये 4.86 टन का लोड अभी वर्तमान में बियर कर रही है रूफ बोल्ट जो ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकती है, जिसको हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बाय ईच बोल्ट लिखा हूं, कैरिंग कैपेसिटी उसकी 7.5 टन अगर है तो 7.5 को हम लोग 4.86 से डिवाइड करते हैं तो 1.54 आती है। दोस्तों, तो यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.54 आ गई। तो फॉर्मूला आपको यहां याद रखना है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वन बोल्ट डिवाइडेड बाय रूफ रॉक लोड टेकन बाय वन बोल्ट। जैसा कि विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों डीजीएमएस के एग्जाम में, या सब्सिडरी के जो एग्जाम होते हैं, वैकेंसी निकलती है ओवरमैन माइनिंग सरदार सेकेंड क्लास एमटी के एग्जाम या फिर गेट्स के एग्जाम, उसमें जो है पूछता है इस टाइप का प्रश्न। देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ
सामने एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 रखा हूं। द इमीडिएट रूफ ऑफ ए माइन इज सपोर्टेड बाय बोल्ट्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर अरेंज इन 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर ग्रिड पैटर्न। इफ द यूनिट वेट ऑफ द रूफ रॉक इज 2.25 टन पर क्यूबिक मीटर एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इच बोल्ट इज 7.5 टन, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द सपोर्ट सिस्टम इज। मैं जो बोर्ड में समझाने का प्रयास किया हूं वही चीज यहां पर प्रश्न में दी हुई थी। तो कि जो इमीडिएट रूफ माइन का जो इमीडिएट रूफ है, जो 6 मीटर तक का रूफ इमीडिएट रूफ कहलाता है दोस्तों, उसको सपोर्ट की गई है बोल्ट द्वारा। उस बोल्ट की लेंथ 1.5 मीटर है और जो वो उसकी ग्रिड पैटर्न 1.2 मीटर चौड़ाई 1.2 मीटर की लंबाई में दी गई है। यदि यूनिट वेट ऑफ रूफ रॉक जो है उसकी 2.5 टन पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर का लोड 2.25 है और लोड कैरिंग कैपेसिटी इच बोल्ट का 7.5 टन है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है दोस्तों। जैसा कि मैं बोर्ड में आपको निकाल करके प्रयास किया हूं और इसमें भी आपको निकाला हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग जो रूफ रॉक लोड है उसको निकाल करके ज्ञात करते हैं क्या चीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। या फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी गई रहती है तो हम लोग सपोर्ट डिजाइन करते हैं किसके लिए, बोल्ट या एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच की दूरी या एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी के तहत जो है ज्ञात करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मिश्रा सर माइनिंग क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाते हुए नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर के अपने डाउट दूर कीजिए। साथ ही जो है लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।